मंडीदीप किराना व्यापारी की मनमानी से ग्राहकों के साथ साथ सरकार को भी लगाया जा रहा लाखों का चूना। पीड़ित लगा रहा शासन प्रशासन के चक्कर। लोकल वाणिज्य कर अधिकारियों की मिलीभगत से 3 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको कराते हैं पीड़ित से रूबरू। साहब, मेरे बालक की शादी थी नवंबर में 2022 में। मैंने पप्पू जैन नामक दुकानदार, जो कि लाखों रुपए का कारोबार करते हैं, गांधी चौक मंडीदीप में उनकी दुकान है, जहां से उनके भाव के अनुसार 47,000 रुपए का सामान लिया था, जो बाजार भाव से उन्होंने कई गुना ज़्यादा रेट लगाए थे। तब मैंने उनसे पक्के बिल की मांग की, तो आज दिनांक तक मुझे पक्का बिल प्राप्त नहीं हुआ। मैंने इसकी शिकायत मंडीदीप थाने से लेके ASP कलेक्टर वो स्थानीय वाणिज्य कर कार्यालय मंडीदीप में भी की। उन्होंने भी मुझे गुमराह किया। उन्होंने बताया, एक पत्र मेरे घर पहुँचाया था जिसमें लिखा था गणेश चौक दुकान का नाम, जबकि ये दुकान गांधी चौक पे है, और उसमें लिखा था कि ये व्यापारी 10 नंबर अर्थात केंद्र सरकार को टैक्स देते, जबकि ये सरासर गलत है। जो आदमी राज्य सरकार को टैक्स नहीं दे रहा, वो केंद्र सरकार को कैसे देगा, जबकि 10 नंबर जो है 8 साल पहले ख़त्म हो चुका है। इन सब बातों से दुखी होकर मैंने आज भोपाल वाणिज्य कर कार्यालय में शिकायत की है। मैं दुकानदार से पक्का बिल चाहता हूं, और मुझे दुकान अभी तक पक्का बिल प्राप्त नहीं हुआ। इस आशय की शिकायत मैंने CM हेल्पलाइन पे भी की है, जो चल रही है। स्थानीय कार्यालय में आपने शिकायत की तो वहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई? पहले तो वो बोलने लगे कि इस पर 50,000 का जुर्माना लगेगा, आपने पेमेंट कैसे कैसे किया सारा पूछा, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे गुमराह किया। मैं मंडीदीप वाणिज्य कर कार्यालय की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं, बल्कि संदेहप्रस्त है उनकी कार्यशैली। जब भी मैं दुखी होकर आज भोपाल में शिकायत कर आया हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं पक्का बिल चाहता हूँ, मैंने पैसा दिया, ऐसा मेरा पक्का बिल मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय वाणिज्य कर कार्यालय से मिलकर ये जैन किराना स्टोर शासन को राजस्व हानि पहुंचाते, तमाम टैक्स बचाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय कार्यालय इनका सहयोग करता है। मंडीदीप पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया क्या? जी नहीं, कोई नहीं। मेरे बयान जरूर लिए गए, जबकि उन्होंने मेरी झूठी भी शिकायत की कि मैं शिकायत वापस ले लूं। उन्होंने झूठी शिकायत की, और अभी भी मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप शिकायत वापस लीजिए, पक्के बिल का क्या करेंगे। ऐसा प्रतीत होता कि स्थानीय कार्यालय सब मिले जुले दुकानदारों से और शासन को टैक्स की चोरी करवाने में सहयोग करवा रहे हैं। क्या इस प्रकार से और भी दुकान वाले टैक्स चोरी कर रहे हैं? साहब ऐसा आज तक तो मैंने जहाँ से सामान लिया सब पक्का बिल देते हैं। पप्पू जैन जी जो है कि कच्चे बिल पे लाखों का कारोबार करते हैं, इससे शासन को भी नुकसान होता है। जो 18% 9% मध्य प्रदेश सरकार को, 9% भारत सरकार को जाना चाहिए GST का, वो सब स्थानीय वाणिज्य कर कार्यालय की मिलीभगत से बचाने का काम करते हैं।